हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवान बसीन में। सो गाइस, जैसे कि आज हमने देखा कि मार्केट ने अपने न्यू हाइज बनाए, निफ्टी बैंक निफ्टी ने हम देखा अपने लाइफ टाइम हाई को अपना तोड़ा और बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा कि ऊपर की तरफ हो गया। पर हमने लास्ट टाइम में एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी और मार्केट ने एक थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लिया अपने हाई से। सो अब किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना है, किस तरीके से हमें ट्रेड्स लेने हैं, एक्सपायरी आ गई है नवंबर सीरीज की, किस तरीके से हमें उस पर काम करना होगा, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, तो अब उसके बारे में हम देखते हैं। उसी के साथ हम बढ़ेंगे स्टॉक्स पे और स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि कल वेडनेसडे को और थर्सडे को एक्सपायरी से एक दिन पहले बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है, और एक्सपायरी वाले दिन भी, और इस महीने के लास्ट में यानी कि एक्सपायरी के अगले दिन GDP का क्वार्टर टू का आंकड़ा आना है, और हम देख सकते हैं कि जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो आ सकता है वो 5% से भी कम आ सकता है। सो गाइज, हमारी मार्केट को उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। सो अब हमने आज देखा कि फडनाविस ने और अजीत पवार ने हमने देखा कि वहाँ पर रिज़ाइन कर दिया, और BJP जो महाराष्ट्र में बन सकती थी वो नहीं बन पाई, और जो हमने देखा था कि उन्होंने शपथ ले ली थी गवर्नर के साथ, और वो भी शपथ अब उसकी वजह से उन्हें रिज़ाइन भी करना पड़ गया था क्योंकि उनके पास सीटें नहीं हो पाई। सो अब जब वो बीजेपी नहीं बन पाई है महाराष्ट्र पे, तो हम देख सकते हैं कि कांग्रेस और NCP मिलकर बना सकती है, वो हमारी मार्केट को एक अच्छी बात नहीं लग सकती। और आज के दिन ही दो लोग जो बड़े पार्टी के मेंबर थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, वो गाइज रिज़ाइन कर चुके हैं, तो ये एक मार्केट के लिए एक बुरी बात हो सकती है। तो मार्केट एक थोड़ा बहुत रिट्रेस ले सकता है अपने हाई से और ज़्यादा। और दूसरी बात, इस महीने के लास्ट में हम देख रहे हैं कि जो GDP का रिजल्ट आना है, जो गाइज सेकेंड क्वार्टर आना है, उस पर भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आना है, क्योंकि 5% से वो नीचे ही जा सकती है। तो ये हमारे लिए एक, हम कह सकते हैं कि एक मार्केट को नीचे की तरफ लेकर जा सकती है हाई लाइफ टाइम हाई से। सो अब किस तरीके से काम करना है, हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे। LT की बात करें, लार्सन एंड ट्यूबो की शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी। 1360 के नीचे आपको शॉर्ट करना है। 1352 1345 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं। 1373 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके गाइस रखना पड़ेगा LT के अंदर। कोटक बैंक बाय करने की सलाह दी जाएगी। 1610 के ऊपर बाय करना है गाइस आपको। 1604 1593 का स्टॉप लॉस लगाएंगे आप। 1623 तक के टारगेट्स आप अचीव करते हुए चल सकते हैं कोटक बैंक के अंदर। गाइस, ये पांच स्टॉक्स आप पहले टारगेट और स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए, किस लेवल पे बाय या शॉर्ट करना है वो नोट कर लीजिए। उसके बाद चार्ट्स पे चलेंगे और वहाँ पर आपको क्लियरली तरीके से समझाएंगे कि क्या पैटर्न और क्या चीज़ें बन रही है, कि हम आपको बाय या सेल की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। साइड में हम आपको एक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में भी बताएंगे किस तरीके से काम करना है, प्लस चार्ट्स पे लेकर जाके उसे बताएंगे कि क्या पैटर्न और क्या चीज़ें हैं कि हम आपको उस पर शॉर्ट या बाय की सलाह दें। थर्ड स्टॉक आता है गाइस BPCL, शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी। 493-487 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब से हमने डिसइन्वेस्टमेंट की खबर सुनी है और न्यूज़ आ चुकी है, कंफर्म डेट आ चुकी है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इस पर प्रॉफिट बुकिंग चलती भी रह रही है और अपने एक सपोर्ट को तोड़ा है, उसके बारे में भी हम चार्ट्स पर जाके बात करेंगे। स्टॉप लॉस आपको 502 का मेंटेन करके रखना है। ल्यूपिन गाइस, ल्यूपिन पर्टिकुलरली इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है, एक पर्टिकुलरली रेंज से, दो महीने की रेंज से अपने ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया है, क्लोजिंग दिया है। एक हम देख सकते हैं कि डिसाइसिव कैंडल बनी है, और उसके बेसिस में हम कल जज करेंगे कि ल्यूपिन किस तरीके से जा सकता है, पर चार्ट एनालिसिस सजेस्ट कर रहा है कि बाय करते हुए चलिए। 795-803 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 777 तक का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। HEG बाय करने की सलाह, 1080 के ऊपर बाय करना है। 1061 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1093-1117 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं HEG के अंदर। गाइज, ये एक्सपायरी जो थी, इस एक्सपायरी में हम देख सकते थे कि जो भी पॉजिटिव न्यूज़ थी, जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ थी, जितनी बार भी सीतारमन को आना था वो बहुत बार आ चुकी है, सारे सेक्टर को वो खुश कर चुकी है। उसके बाद भी हम देख चुके हैं कि मार्केट अपने पीक पे आ चुकी है। अब ज़्यादातर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं बची है आना, और बस एक है जो हमने देखा था कि जो फर्स्ट फेज था, जो ट्रंप और हम देखते थे US और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर का जो फर्स्ट फेज था, उसकी साइन होना है। वो साइन देखते हैं कि कब हो सकता है, और अगर वो साइन इस मंथ में नहीं होता, यानी कि दिसंबर के मंथ में नहीं हो पाएगा अगले महीने, तो हम देख सकते हैं कि जो ट्रंप है वो दोबारा टैरिफ बढ़ा देगा और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो यानी कि जो पॉजिटिव न्यूज़ थी वो सारी आ चुकी है और मार्केट अपने पीक पे है। गाइज, अब जो नेगेटिव न्यूज़ आना शुरू होगी, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट एक रिफॉल ले सकता है,
और वो फॉल थोड़ा डाउन हो सकता है, डीप डाउन तक नीचे जा सकता है। सबसे पहला जो हम देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में सबसे गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है बीजेपी की, वो एक सबसे पहला हम मान के चल सकते हैं बैड न्यूज़ है। दूसरी बात, जो सेकेंड क्वार्टर जीडीपी का आना है जो कि 5% से भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं एनालिस्ट नीचे हो सकता है, वो एक सबसे बुरी बात है। हमने देखा आईआईपी का जो आंकड़ा आया वो गाइस सबसे लोएस्ट था। तो ये सारी चीज़ें जो अब आ रही है, जो नेगेटिव फैक्टर्स आ रहे हैं, वो अब मार्केट को नीचे लेकर जा सकती है। अब हम चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से काम करना है। इसलिए मैंने इस नवंबर पे एक्सपायरी से 2-3 दिन पहले काम नहीं करा, कोई भी मैंने ट्रेड्स नहीं लिए, सिर्फ मार्केट को वॉच करा। ये जो स्टॉक्स आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, ये सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, कोई आपको पोजिशनल बाय या शॉर्ट की सलाह भी नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्केट के बिहेवियर को हमें समझना होगा। जब ये जो GDP है उसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 1 दिसंबर से ही हम अपनी परफेक्टली ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वॉलेटाइल में हम आपको स्टॉक्स दे दें और मैं खुद भी ट्रेड करूँ, और वो जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स अपने पीक से रिवर्स हो रहे हैं गाइस, तो अभी हम अपनी ज़्यादा बाय पोजिशन को लेकर ना चले और ज़्यादा ऑप्शंस पर भी काम ना ही करें तो बेटर रहेगा। चार्ट्स पे चलते हैं और चार्ट्स पे देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइस कि हमने दोबारा अपनी एक सर्विस स्टार्ट कर ली है, जो हम हमेशा मंथली बेसिस में आप लोगों के लिए सर्विस लेकर आते हैं। पिछले महीने मैंने अपने दिवाली के टाइम पे आप लोगों के लिए सर्विस निकाली थी, हम मंथली में निकालता हूँ। देख सकते हैं कि जैसे 6,000 रुपीज़ पर मंथ है और उसके हिसाब से आपको मंथली पेमेंट करनी पड़ती है इसकी। पर मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊँ तो यानी कि 200 रुपये पर दिन आपके हिसाब से जाता है, और 200 रुपये हमें आली यूजली आपको डेली ही ट्रेड देते हैं। बट अगर कोई हमें ट्रेड नहीं मिलता या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है तो हम आपको जनरली ट्रेड्स नहीं देते हैं, और उसके बाद हम आपको ज़्यादा ट्रेड्स प्रोवाइड करा देते हैं अगले दिन। सो गाइस, अगर आप बेसिकली मान के चलेंगे तो 200 रुपये पर दिन जाता है, जिसमें से आप हर दिन 10 से 30 गुना उसका कमा सकते हैं, जो कि आपकी डेली की आप हमें पैसा देंगे। जो सर्विसेज इंक्लूडेड हैं गाइज, वो कैश कॉल्स हैं, बेसिकली सारी कैश कॉल्स आपको प्रोवाइड होती है, इंट्राडे, डेली, और अगर हम मान के चले पोजिशनली कॉल्स होती हैं, फ्यूचर भी आपको सारे तरीके के प्रोवाइड्स कराए जाते हैं इंट्राडे से लेके आपको स्विंग कॉल्स तक, ऑप्शन कॉल्स भी आपको बेसिकली सारे तरीके की प्रोवाइड कराए जाते हैं, और BTST कॉल्स जनरली हम ऑप्शन को लेकर चलते हैं, क्योंकि ये एक बेनिफिशियल हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। एक्स्ट्रा बेनिफिट पे गाइज, हम आपके लिए एक लेकर आए स्टॉक पोर्टफोलियो बिल्डअप और रिव्यूज़, जो हम आपके हमारे दिवाली और क्लाइंट्स के लिए लेकर आए थे, क्योंकि अगर आपके पास जो भी अगर आपके पास पोर्टफोलियो आपके पास पहले से ही बिल्डअप है तो आप हमसे रिव्यू करवा सकते हैं, या फिर हम आपके लिए नया पोर्टफोलियो बना सकते हैं अगर आप हमसे रिकमेंड करते हैं अगर, तो उसके बाद हम आपके लिए एक वीकली स्विंग कॉल्स भी लेकर आए हैं। वीकली स्विंग कॉल्स इन द सेंस आपके लिए कैश कॉल, फ्यूचर कॉल, ऑप्शन कॉल सारे इंक्लूडेड हैं वीकली स्विंग कॉल्स के लिए। जो आप हमसे एक्सपेक्ट करेंगे हम आपको उसके बेसिस में वीकली कॉल्स प्रोवाइड कराएंगे, जो जर्नली टारगेट्स हाई लेवल तक के होते हैं और जो जर्नली मुझे लगता है कि अचीव हो सकते हैं। हर मंथली हम गाइज 20 सीटें लेकर आते हैं, यानी कि 20 क्लाइंट्स को, यानी कि 20 मेम्बर को हम ऐड करते हैं फैमिली अपने में, जिसमें से 6 मेम्बर जो हैं उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट हमने इस पर आपको नहीं बताया। अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, जो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, हमारी ईमेल आईडी दे रखी है, अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो जो पहले 6 मेंबर्स होंगे उनके लिए वो स्पेशल डिस्काउंट होगा, जिसमें से 2 लोग ऑलरेडी ले चुके हैं तो 4 लोग रह गए हैं, और जो बाकी के 14 मेंबर होंगे गाइज उनके लिए सिर्फ 6,000 रुपये होगा जो सेम है, और स्पेशल डिस्काउंट जो ले पाएँ वो 6 मेंबर होंगे। तो अगर आपको जल्दी से जल्दी हमारी सर्विस को लेना है, आप जल्दी से जल्दी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आप लोगों की सर्विस नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट कर देंगे। कई तब बढ़ते हैं सबसे पहले चार्ट्स की तरफ। तो चार्ट्स पे मैंने आप लोगों को दे रखा था एक सबसे पहले LT, तो हम LT की बात करते हैं और देखते हैं कि उस पर्टिकुलर में क्या ऐसा पैटर्न बन रहा है, तो हम आपको एक बाय की सलाह दे रहे हैं। तो गाइस इस पे हम सबसे पहले चार्ट्स पे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत एक कन्फ्यूजिंग चार्ट होगा, क्योंकि बहुत से पैटर्न इसके अंदर डेवलप हुए थे, तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि क्या ऐसा बना है इसमें, तो हम आपको एक बाय की सलाह दे रहे हैं। एक सेकंड गाइस, जी है, हम आपके लिए एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाते हैं और उस पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या पैटर्न्स डेवलप हुए हैं और हमारे जो टारगेट्स हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं। सो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि गाइज यहाँ पर ये पर्टिकुलरली एक साइफर पैटर्न बनाने की कोशिश, गाटले पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, बुलिश गाटले पैटर्न। LTP अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने आपको एक शॉर्ट की सलाह दी है, 1363 की क्लोजिंग है, और अगर आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ तो आप देखिएगा गाइज कि ये जो लेवल है, ये आपके लिए जो मैं लेवल निकाल के लाया हूँ, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि लेवल काम कर रहा है 1360 का लेवल।
अगर मुझे लगता है कि कल ये 1360 लेवल को तोड़ता है तो ये प्रोबेबली मुझे लगता है कि यहाँ तक जा सकता है, जो कि इसका 786% रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि आ रहा है अराउंड 1347 1345 के आसपास। वहाँ तक इसकी जाने की मुझे पॉसिबिलिटी लगती है, और अगर सबको ब्रेक करता है तो हम और लोअर लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 1320 तक के नीचे भी लेकर जा सकता है इस पर्टिकुलरली घाटले पैटर्न को। तो इसके हिसाब से मैं आपको एक शॉर्ट की सलाह दे रहा हूँ, और शॉर्ट की सलाह आपको कब दे रहा हूँ, जब ये पर्टिकुलरली हम देख सकते हैं कि 1360 के नीचे जाके बंद होता है। तो नेक्स्ट स्टॉक आते हैं हम गाइस कोटक बैंक के अंदर, और कोटक बैंक पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये पर्टिकुलरली एक स्नेक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, और चैनल के ऊपर जैसे ही ब्रेक करा उसने एक टाइम पे यहाँ पर अपना सपोर्ट लिया, और उसके बाद एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जाके एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट फेल हुआ, नीचे आया, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया, और हमने देखा नीचे आया, इसने एक गाटले साइफर पैटर्न बनाया। साइफर पैटर्न में हमने यहाँ पर आपको बाय की सलाह दी थी, अगर आपको याद होगी, और अब जाके ये ऊपर जाके बंद हो चुका है। अब इस पे अगर मैं आप लोगों के लिए एक लेकर आता हूँ 1 आवर का चार्ट, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैं आपको इस पे एक बाय की सलाह क्यों दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो एक पैटर्न था, इस पैटर्न के ऊपर हमने देखा एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद, एग्जैक्ट ब्रेकआउट देने के बाद, हम देख रहे हैं कि ये सस्टेन कहाँ पर करे, एक रेंज बना चुका है, जो कि रेंज है 618% रिट्रेसमेंट लेवल ऑन अ हायर साइड, जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और 382 जो कि लोअर साइड में सपोर्ट का काम कर रहा है। ये गाइस रेंज के अंदर बंद हो चुका है, रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है पर्टिकुलरली कोटक महिंद्रा बैंक। तो जैसे ही मुझे लगता है कि ये अपर साइड के ऊपर ब्रेक करता है, जो कि इसका गोल्डन रेशियो 618 का रिट्रेसमेंट लेवल है, जैसे ही 1610 के ऊपर निकलता है वैसे ही इसमें एक बाइंग बन जाएगी वो भी, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ से वो 1630 और 1700 मैक्स टू मैक्स 1.5 महीने का टारगेट है, जो मुझे लगता है कि वो दिखा सकता है कोटक महिंद्रा बैंक 1700 रुपये तक का लेवल भी। सो कोटक महिंद्रा बैंक एक बाय बनता है, 1610 के ऊपर सस्टेन करे बाय करिए, और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो हमारा पहला टारगेट 1620 का होगा। नेक्स्ट आते हैं बीपीसीएल में। सो बीपीसीएल में ऐसा पर्टिकुलरली क्या पैटर्न बन रहा है, हम उसकी बात करते हैं, और फिर देखते हैं कि इस पे शॉर्ट की सलाह हमने आपको क्यों दी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पर्टिकुलरली हमने देखा बीपीसीएल में जब से डिसइन्वेस्टमेंट की खबर आ रही थी, वो पर्टिकुलरली 375 से लेके 500 रुपये तक के ऊपर लेवल तक जा चुका था। सो इसने एक पर्टिकुलरली हम देख सकते हैं पीनट पैटर्न फॉर्म करा है, जो कि एक बुलिश पीनट पैटर्न था, और ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा था, और रेंज को इसने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम देख सकते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन, इसने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर इस लेवल पे पीनट पैटर्न को ब्रेक करा नीचे की साइड, और नेक्स्ट डे हमने मंडे को यहाँ पर एक इनडिसाइसिव कैंडल देखी और वो उसके ऊपर नहीं निकली, और आज हमने एक ब्रेक डाउन देख लिया। सो ये कंफर्म कर रहा है, ये जो 3 कैंडलस्टिक्स हैं ये कंफर्म कर रही है अब डाउन साइड खुल चुकी है बीपीसीएल के अंदर, और अब यहाँ से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले ये 50% अपने 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक जा सकती है, जो कि अराउंड इसका लेवल 483 का शो कर रहा है। तो 483 तक इसकी जाने की हमें प्रोबेबिलिटी लग रही है, जो कि 497 पे ये ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए मेरे लिए एक शॉर्ट का कैंडिडेट है। ल्यूपिन के स्टॉक पे हम बढ़ते हैं, और ल्यूपिन के स्टॉक पे हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं और उसमें हमें किस तरीके से काम करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं कि ल्यूपिन कम से कम हम देख सकते हैं कम 4 महीने से ही ये रेंज के अंदर काम कर रहा था। ये पर्टिकुलरली रेंज जो हमने आपके लिए बना रखी है येलो बॉक्स के अंदर, ये जो चैनल के अंदर, उसने रेंज के ऊपर निकला आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर और एक इनडिसाइसिव कैंडल बनाई है। ये हम अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो गाइज ये एक शूटिंग स्टार है टाइप ऑफ कैंडल होती है, जो कैंडल का नाम है, और वहाँ से एक रिवर्सल स्टार्ट होता है, रिवर्सल स्टार्ट होता है। पर गाइज अगर हम इसको बात करें तो इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, हमने देखा था इसने थर्सडे के सेशन के आस वेडनेसडे के सेशन के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया था पिछले हफ्ते, और उसके ऊपर सस्टेन करते रहा, और इस रेंज के बीच में ये 10 रुपये के बीच में ये कम से कम 4 दिन सस्टेन करते रहा, वो भी 770-780 के बीच में सस्टेन करते रहा, और हमने देखा 780 के ऊपर आज जाने में ये कामयाब हुआ और उसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी है। सो हमारे लिए एक बाय बनता है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 840, जो कि मुझे लॉन्ग टर्म लगता है, पर शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हमने आपको नोट करवा दिए हैं और आप उसे जाके वॉच कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक आता है, जो कि आता है वो HEG आता है, और HEG पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक साइफ एक तरीके का फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, और फ्लैग एंड पोल पैटर्न का इसने आज के दिन ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद हमने देखा हैवी वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट के साथ ये जाके सस्टेन करा है, और जिस तरीके से मुझे लगता है कि ये और ऊपर जाने की इसकी कैपेसिटी है,
तो मुझे लगता है कि गाइस ये 1617 तक तो इसके मिनिमम टारगेट्स हैं जो मुझे लगता है कि ये दिखा सकता है अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो। ये मुझे लगता है कि यहाँ से कम 100 पॉइंट तक की रैली भी और दे सकता है, वो भी एक दो दिन के अंदर नहीं, कम से कम हफ्ता लग सकता है। पर इंट्राडे के लिए अगर मैं आपको बताऊं या 2 दिन के पर्पज से ही सिर्फ आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि ये 1110 तक या और 1117 तक जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं गाइज अपने निफ्टी के चार्ट पैटर्न की तरफ और निफ्टी के चार्ट पैटर्न पे हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ें शो कर रही हैं। तो ये रेंज मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ, मैंने जब भी इतनी सारी वीडियोस बनाई है मैं तब से आपको ये रेंज के बारे में बता रहा हूँ। ये जब इस लेवल पे था तब से हम इस रेंज की बात कर रहे हैं। तो ये रेंज का आप देख सकते हैं कि इसने ब्रेकआउट दिया कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर और आज आपने देखा वहाँ पर ही सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट उस लेवल पर जाके इसने अपना सपोर्ट लिया, ऊपर से फॉल करा नीचे सपोर्ट लिया और आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इस रेंज पे इसमें दोबारा एक बाइंग बन गई है। अब हमें देखना है कि गाइस जैसे ही इस रेंज के अंदर आता है, ये रेंज जो है वो रेंज का हाई था वो था 12020 का, जैसे ही 12020 के नीचे आता है और अपने अर्ली चार्ट के अंदर क्लोजिंग देता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो हम और लोअर लेवल्स यानी कि 11800 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मुझे दिखा लगता है कि वो दिखा सकता है। पर जब तक इस लेवल के ऊपर है, जब तक इस रेंज के ऊपर है तब तक हम नए हाइज बनते हुए देख सकते हैं पर्टिकुलरली निफ्टी इंडेक्स के अंदर। तो अभी हमारे लिए निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं है, ना बाय ना शॉर्ट के लिए। बाय हम करेंगे, बाय तो अभी हम सोचेंगे नहीं क्योंकि न्यू हाइज पे बिल्कुल काम कर रहा है एक तरीके से। शॉर्ट के बारे में हम तब सोचेंगे जब इस रेंज के अंदर आता है और रेंज के अंदर जाके सस्टेन करता है और क्लोज करता है तो ही हम बात करेंगे। एक दिन इसके नीचे क्लोज होने दीजिए फिर हम नेक्स्ट डे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं गाइस, बैंक निफ्टी बिल्कुल अपने एक हायर ट्रेंड लाइन के हम देखते हैं हायर रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइजिंग चैनल बना रहा है और जो मुझे लगता है कि इसका पहला जो डाउन साइड है, क्योंकि गाइस मैं अभी बाय के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, बाय में अभी नहीं करूँगा मैं, सिर्फ अभी शॉर्ट के बारे में ही सोचूंगा अगर मुझे वो लेवल मिलता है तो। वो सारे लेवल्स हम आपको कल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा देंगे 8 बजे, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के परफेक्ट टारगेट स्टॉप लॉस मिल जाएंगे, कब आपको बाय या शॉर्ट करना है वो आपको सब कल टेलीग्राम चैनल पे 8 बजे मिल जाएगा। इसलिए मैं अपलोड नहीं कर रहा था गाइस क्योंकि मेरे पास कुछ बताने के लिए नहीं था, क्योंकि मैं कुछ ट्रेड नहीं कर रहा था, मुझे मार्केट को ऑब्जर्व करना था, इस वजह से मैंने आप लोगों को कोई भी ट्रेड्स नहीं दी है। तो प्रोबेबली कल आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा गाइस। जो लोगों को कन्फ्यूजन होती है बार बार, आप देख सकते हैं ट्रेड डीलर्स मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, इस तरीके की फ़ोटो लगी हुई है, 670 मेंबर्स मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप जाके ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। सो शॉर्ट आपको करना है, शॉर्ट आप करेंगे जब गाइज ये अराउंड 31,650 के लेवल को ब्रेक करती है, जैसे ही 31,650 के लेवल को ब्रेक करेगी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये 31,450 तक जा सकती है और जो नेक्स्ट टारगेट इसका होगा वो होगा 31,200 का लेवल, जो मुझे लगता है इस पुरानी ट्रेंड लाइन तक जा सकता है। और ये जो ट्रेंड लाइन है गाइज वो ट्रेंड लाइन है जो कि हमने सारे टॉप्स को मिला के बनाया है और उसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया वहाँ तक अभी तक नीचे नहीं आई है, ये देख सकते हैं जैसा कि। सो मुझे लगता है एक बार ट्रेंड लाइन पे एक बार सपोर्ट ले सकता है तो एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं गाइज और ये जो आपके लिए मैं लेकर आया था सर्विस, जो भी लेना चाहते हैं जल्दी ले सकते हैं क्योंकि गाइज बहुत जल्दी इस पर हम देखते हैं कि सीट्स फुल हो जाएंगी और आप फिर पूरे महीने आप हमसे ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। सो आप देख सकते हैं कि 20 सीटें हैं जिसमें से 2 भर चुकी हैं, 4 अभी भी स्पेशल डिस्काउंट के लिए बैठी हुई हैं। जिन लोगों ने क्वेरीज करी थी, जिन लोगों ने बोला था कि हम पेमेंट कर देंगे, जिन लोगों ने नहीं कर पाए हैं, जो लोग क्वेरी ले चुके हैं, जो लोग भी हैं वो वीडियोस देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आ सकते हैं और इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। और कोई बात नहीं अगर जो लोग नहीं ले पाए डिस्काउंट, ज़्यादा डिस्काउंट हम अराउंड 20% डिस्काउंट हम दे रहे हैं। सो जो नहीं भी ले पाए वो भी हमारी ये 14 मेंबर के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, उनका भी रिकवर हो जाएगा, हम एक दिन के अंदर आपका ये रिकवर करवा देते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होने को मिलेगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी गाइस, तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो के साथ। मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ।